हाय एवरीवन, आशा करता हूँ कि आप सभी अच्छे होंगे। यूट्यूब में थंबनेल कैसे बनाएं, थंबनेल ऐसे बनाएं जैसे प्रोफेशनल लगे। चलिए आते हैं कैसे बनाया जाता है थंबनेल। प्ले स्टोर में जाइए। प्ले स्टोर में जाने के बाद पिक्सल लैब को लिखिए, पिक्सल लैब सर्च कीजिए, पिक्सल लैब, पिक्सल लैब। पिक्सल लैब में जाने के बाद आप इसको, मेरा पहले से डाउनलोड किया हुआ है, आप अपने डाउनलोड कर लीजिए। उसके बाद ओपन, ओपन के बाद उसके बाद ये इसको हम डिलीट करते हैं, डिलीट कर दिए। उसके बाद इसको साइज यूट्यूब के साइज के जैसा लाना है, तो उसके लिए इमेज साइज में जाइए। इमेज साइज में जाके जाने के बाद कस्टम, कस्टम में यूट्यूब थंबनेल क्लिक करने के बाद ओके आ गया। अब इसको कुछ कलर करना है। कलर कैसे करें? कलर इस तरह से होगा, जैसे ये है कलर। इसमें भी आपको, अब जैसे कि एक कलर का करना चाहते हो तो एक कलर का भी है, ब्लैक है, वाइट है, पिंक है, और भी बहुत सारा कलर है, बैगनी है, ब्लू है, जैसे आपकी अच्छा आपको अच्छा लगे। गार्डियन में जाइएगा, गार्डियन में दो कलर का भी मिलता है, ब्लैक एंड वाइट, बहुत सारा कलर है। आप अपना हिसाब से, अपना अच्छा, आपको जैसे अच्छा लगे वैसे कर लें। इसको आप किस सेट कर सकते हैं, ऊपर इस तरह से, इस तरह से, ये आप सेट कर सकते हैं, अपने मुताबिक सेट कर सकते हैं, अपने मुताबिक सेट कर लीजिए। उसके बाद इसको ओके कर दिए। ओके करने के बाद इसको राइट क्लिक कीजिए, ये सिलेक्ट हो गया। आगे का प्रोसेस, इसमें आप अपना फ़ोटो कैसे लगाएं। फ़ोटो लगाने के लिए इस बीच वाले में दबाएं, उसके बाद इंपोर्ट कीजिए। इंपोर्ट में मैं अपना फ़ोटो ले लिया। इसको आप अपना जिस तरह से आपको लगाना है वो आप देख ले, सेट कर ले इसको इस तरह से। सेट करने के बाद इसको दबा ले। अब इसको आप अपने हिसाब से कर ले। अब इसको इरीज कैसे करना है, इरीज करने के लिए जैसे इसको पीछे का जो रेड कलर है इसको वाइट को हटाना है, तो वाइट हटाने के लिए आपको इरीज कलर में आप जाइए। इरीज कलर में जाने के बाद इनेबल कीजिए जैसे आता है। उसके बाद इसको थोड़ा सा पीछे कर दीजिए, माइनस में आ जाएगा, तो ये आपके पास सेम उस कलर में आ गया। ओके कर दीजिए। इसको यहाँ पर क्लिक करने के बाद आप इस बटन को दबाएं, दबाने के बाद इसको लॉक कर दीजिए। लॉक करने से क्या होगा, ये हटेगा नहीं, और ये हटेगा नहीं। अब इसमें कुछ लिखना है, तो लिखने के लिए क्या लिख सकते हैं, तो यहाँ पर उसके बाद इसमें क्लिक करने के बाद टेक्स्ट में आइए। टेक्स्ट में अब आ गया यहाँ पर, अब इसमें एडिट कीजिए। इसमें आप लिखिए दीप ब्लॉग्स, हिंदी में भी लिख सकते हैं कुछ भी। तो हम दीप ब्लॉग्स ही लिख रहे हैं, दीप ब्लॉग्स। ओके कर दिए इसको, आ जा रहा जैसे आपको अच्छा लगे वैसे आप इसको कर दिए। अब जिस तरह से अपना नाम लगाना चाहते हैं, अब इसमें आप इसका डिज़ाइन बना सकते हैं। इसको यहाँ फॉन्ट में जाने के बाद फॉन्ट में जाइए, फॉन्ट में आप अपना हिसाब से इसको कर सकते हैं, जिस जिस तरह से आपको अच्छा लगे। जैसे इसको, इसको कलर करना है, इस नाम को कलर करना है। कलर के लिए ये आपको कलर कीजिए, कलर में आप
जैसे कि मान लीजिए कि आप दीप को येलो कलर करना चाहते हैं, येलो कलर, आप फिर उसमें जाकर इसको लॉक कर लीजिए, तो अब उसमें क्या होगा, ये आपका हिलेगा नहीं। उसके बाद आप लिखे, फिर दोबारा टैक्स में करके एडिट कीजिए। अब इसमें लिख जो आपको अच्छा लगे, जैसे आप जो आप क्या बनाना चाहते हैं, किस तरह का वीडियो बनाना चाहते हैं, उस तरह का आप लिखिए। मैं यहाँ पर लिखता हूँ 2024 न्यू वीडियो। इसको भी फिर कलर कर देते थोड़ा। सबसे पहले इसका हम फॉन्ट चेंज करते हैं, फॉन्ट चेंज कर दिए, और इसको हम थोड़ा कलर करते हैं। कलर में पहले इसको हम सेलेक्ट कर लेते हैं, करने के बाद येलो कलर ही हम इसको यहाँ पर करेंगे। और इस साइड का इसको येलो करते हैं। अब अपना हिसाब से जैसे अच्छा लगे बनाए बना सकते हैं। इसमें आप कुछ और भी थंबनेल, किसी और का, बड़े बड़े क्रिएटर का आप थंबनेल लगा सकते हैं। जैसे हम एक थंबनेल इसमें लगा रहे हैं, मेरा खुद का ही लगाते हैं, ठीक है। मैं खुद का थंबनेल लगा दिए, उसके बाद इसको लॉक कर दिए, इसको भी लॉक कर दिए, हो गया। अब इसमें किसी और भी चीज़ का आप डाल सकते हैं, जैसे फेसबुक का लोगो डाल सकते हैं, और व्हाट्सएप का लोगो, यूट्यूब का लोगो, जैसे फेसबुक का लोगो हम डाल रहे हैं। अब इसको फेसबुक का ये लगा दिए, लगाने के बाद फिर इसको लॉक कर दीजिए। आगे इसका और भी कुछ आपको लेना चाहते हैं तो और भी कुछ ले सकते हैं। जैसे इंपोर्ट कर दिए हम सब्सक्राइबर, इस तरह से आप अपना थंबनेल बनाएं, प्रोफेशनल थंबनेल जैसा बनाएं। थैंक यू। ये वीडियो आप सभी को अच्छा लगा है तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें, सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करें। थैंक यू, धन्यवाद।